फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू नूडल क्लासेस में। तो अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में अपन ने महाद्वीप वाला जो चैप्टर है वो उठाया है। अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया था कि महाद्वीपों के जो ओरिजिन है वो किस प्रकार से हुआ है, कितने महाद्वीप हैं, कौन कौन सी प्लेट है हमको प्राप्त हुई थी, कौन सी प्लेट सबसे बड़ी थी, कौन सी प्लेट सबसे छोटी थी। तो अपन ने देखा था पैसिफिक प्लेट जो थी सबसे बड़ी थी, यानी कि 7 बड़ी प्लेटें आई थी और 20 छोटी प्लेटें अब तक ज्ञात की जा चुकी है, जिसमें से सबसे छोटी अगर प्लेट की बात करते हैं तो नजाका प्लेट सबसे छोटी थी। अपन ने महाद्वीप में उठाया तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप था, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप था, उसके बाद यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप आता है 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन विश्व का जो भ्रमण करने जा रहे हैं, अपन ने उठाया है पहले ऑस्ट्रेलिया का भ्रमण करना, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से शहर है, ये हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में फेमस शहर कौन कौन से थे, जैसे सिडनी हो गया, पर्थ हो गया, मेलबर्न हो गया, कैनबरा हो गया। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास कम से कम 6 से 7 ऐसे शहर हैं जो बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध रहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शहर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। तो आपके लिए ट्रिक दी थी बीएससी एमए पीएचडी वाली, तो ये आपको याद रखनी है, बार बार उसको रिविजन करना है, रिपीट करना है, और उसको अपने मैप आपके पास होना चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। बिना मैप के आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही है कि हम पृथ्वी का स्टडी कर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, तो किस तरीके से करना है आपके पास मैप होना चाहिए, तो उसी में आपको देखते जाना है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कल अपन ने क्या देखा था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो था, जनरल जो फैक्ट रहते हैं वो देखे थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं, जिसको आपने किस तरीके से याद किया था। मैंने आपको इस तरीके से याद किया था कि आपको अब कौन सी कंपनी का जींस पहनना है, एबोर जो कंपनी आती है उसका जींस पहनना है, तो वहाँ के निवासियों मतलब ऑस्ट्रेलिया से मंगवाओगे कौन सी कंपनी का जींस, एबोरिजिन्स, तो आप वहाँ के निवासी हो जाओगे एबोरिजिन्स, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। वही अगर बात करते हैं तो वहाँ का जो पशुपालक होते हैं उनको जैकारू कहते हैं, और अगर वही बात करते हैं वहाँ पर जो पशु को बांधने का जो स्थान होता है, जैसे अपने यहाँ पर पशु बांधने की जो जगह होती है, जैसे गाय है, गाय बांधने की जगह को अपन कहते हैं गौशाला, उसी प्रकार से गांव में जाओगे तो अलग अलग तरीके से नाम बुलाते हैं, जैसे अगर भैंसा गैया इनको मिक्सअप बांधते तो उसको बोलते हैं चौपाला। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर जो जगह पशुओं को बांधने की होती है उसको बोलते हैं स्टेशन, ये वो वाला स्टेशन नहीं है जहाँ पर ट्रेन रुकती है, ये ऑस्ट्रेलिया में विशेष स्टेशन मैंने कि पशुओं को बांधने के लिए बोला जाता है। भाई अगर बात करते हैं, अब अपन ने इसमें देखा था कि ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ ना कुछ तो फेमस होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में अपन ने 5 जो थे मरुस्थल पड़े थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट मरुस्थल थे, इसमें से आपको 3 मरुस्थल मोस्ट आपको याद रखना है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया जो था वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको याद रखना था, ग्रेट सैंडी डेजर्ट आपको याद रखना था, इस तरीके से आपने 5 पढ़े थे। और इसको यानी कि जो होता है ना किस जो महा यानी कि यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा डेजर्ट पाए जाते हैं, डेजर्ट यानी कि मरुस्थल उपस्थित होने के कारण इसको प्यासी भूमि की संज्ञा दी गई है, 5 महाद्वीपीय भूमि की संज्ञा दी गई है, और यहाँ पर मेरिनो प्रजाति की भीड़ पाई जाती है, तो इसके कारण इसको संज्ञा दी गई है सुनहरी भूमि, यानी कि सुनहरी भूमि की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। तो आप अपन आज देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अपन अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपन एंट्री करते हैं, और इसमें अपन ने क्या देखना है, अपन को अपन देखते हैं कि कहाँ पर सोना मिल रहा है, कहाँ पर चांदी मिल रहा है, तो यानी कि अपन अब यहाँ पर एंटर करेंगे माइनिंग की, यानी कि किस तरीके से अपन को खुदाई करनी है, और कौन कौन से यहाँ पर माइनिंग आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी खाने यहाँ पर स्थित हैं। तो एंट्री होती है अपनी माइनिंग के लिए, यानी कि अपन कौन कौन सी खाने हैं ये देखते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं खनिज संसाधन, यानी कि मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स रिसोर्सेस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्साइट से शुरुआत करते हैं। बॉक्साइट में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। तो बीपा एक प्रमुख खान है जो यहाँ पर आपको पता है क्वींसलैंड पड़ता है, क्वींसलैंड के पास में ही है, क्वींसलैंड में ही पड़ने वाली खान कौन सी है, बीपा। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीपा जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली खान बीपा है वो किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है। अब आप एंटर हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, और आपको क्या करना है, खुदाई करना है, कुछ नहीं है तो आपको कुछ मिल जाए, इसे आप थोड़ा माला माल हो जाए, तो बस यही है, स्टडी करनी है आपको बिल्कुल फन की तरह, क्योंकि जब तक आप टेंशन लोग को लेके पढ़ोगे ना तो पढ़ाई नहीं होती है, कुछ भी चीज़ याद नहीं होती है, आपको याद भी करना है, उस चीज़ को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, यही है आपकी लर्निंग। तो आप इसमें आज आप
आपसे अगर पूछा जाए कि आज आपने वीडियो देखा तो वीडियो में क्या देखा, तो आप कहोगे कि हमने वीडियो में हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में हमने थोड़ा सा घूमा फिरा और हमने थोड़ा बगल में गए तो वहाँ पर हमको एक खान मिली, जिस खान का नाम वहाँ पर लोग वक ले रहे थे बीपा बीपा करके, कोई खान का नाम ले रहे थे, तो वहाँ पर जाके हमने देखा, हमने उसको खोदा और हमें क्या प्राप्त हुआ, बॉक्साइट प्राप्त हुआ। तो ये है बीपा खान किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए, ये याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर वन है, प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। भाई अगर बात करते हैं एलिंग्स स्प्रिंग, एलिंग्स स्प्रिंग किसके लिए, यूरेनियम के लिए, यूरेनियम उत्पादन के लिए। ये अगर 2019 की रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम उत्पादन में सेकंड नंबर रखता है। क्या रखता है सेकंड नंबर, सबसे पहले एलिंग्स स्प्रिंग किसके लिए फेमस है, एलिंग्स स्प्रिंग। अपन थोड़ा सा और बीपा खान घूमाए, बीपा खान घूमने के बाद अपन को बॉक्साइट मिल गया बीपा से, इसके बाद आपने सोचा थोड़ा और नीचे को चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, तो आपने एलिंग्स स्प्रिंग, वहाँ पर लोग बाग नाम ले रहे थे कि एलिंग्स स्प्रिंग जैसी कोई खान मिली है, उसमें देखा, उसमें माइनिंग, उसमें मतलब खुदाई करके देखी तो वहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यूरेनियम प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, यूरेनियम, यानी कि इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, यूरेनियम का सिम्बॉल सीओ होता है यू, तो इसको ऐसे याद रखते हैं 92U235। इसके कई सारे क्या होते हैं, इसके सब स्थानिक होते हैं, 92U235, 92U238, इस तरीके से इसका यूज आपको पता है परमाणु रिएक्टर में होता है, ठीक है। जब अपन फिजिक्स से अपन जब वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, तब उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये आपको याद रखना है एलिंग्स स्प्रिंग, ठीक है, एलिंग्स स्प्रिंग यूरेनियम के लिए है। अब आपको बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया से, पहले ही बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, इस कारण से ही तो इसको द्विदीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। द्विदीपीय महाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि ये जो है ना इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बिल्कुल इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, इस कारण से इसको द्विदीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और आपने कल देखा था कि इस महाद्वीप के पूरा महाद्वीप चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। महासागरों में भी आपने देखा था प्रशांत महासागर ये वाला बॉडी पूरी टच करता है। वहीं अगर बात करते हैं हिंद महासागर, तो हिंद महासागर ये वाली बॉडी पूरी टच करता है। यहाँ पर आपने देखा था तस्मान सागर था, इधर आपने तस्मान सागर देखा, कहाँ पर आप बोल सकते हो इसको दक्षिण में, दक्षिण पूर्व बोल सकते हो या दक्षिण बोल सकते हो, यहाँ पर आपने तस्मान सागर देखा। इधर चलते हैं, यहाँ पर आपने तस्मान सागर हो गया, इधर कोरल सागर देखा, तिमोर सी इधर देखा, इस तरीके से आपने चापा सागर थे। तो ये मतलब आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया, सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि निम्न में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुए है, तो चार है आपको याद रखना, ठीक है। तो एलिंग्स स्प्रिंग से क्या निकाल लिया आपने, यूरेनियम निकाल लिया। वही आते हैं हंटर घाटी, ये सारी चीज़ें आपको मैप में मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको ये जो फेमस है वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर नहीं मिले तो आप कृपया करके अपनी उसी एटलस में पेंसिल से यहाँ पर इस तरीके का डॉटेड निशान बनाओगे और यहाँ पर अपनी पेंसिल से लिखोगे कि हंटर घाटी, यहाँ पर एक माइन है, एक खान है और यहाँ से निकलता है कोयला, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो हंटर घाटी किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि हंटर घाटी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध खान है, तो ये किसके लिए, कोयले के लिए। अब पूछ लिया जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको देख रहा होगा ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल से क्या निकल रहा है, चांदी, चांदी को तोड़ोगे, यानी कि चांदी को क्या करना, ब्रोक करना है। देखो चांदी इस तरीके से याद रख सकते हो कि चांदी को तोड़ना है, ब्रोक करना है, तो क्या ब्रोकन हिल्स कहाँ पर स्थित है, किसके लिए फेमस है, चांदी के लिए। काल गोल्डी और माल गोल्डी, जब व्यक्ति के पास सोना आ जाता है ना, तो व्यक्ति क्या करता है, उसको स्टॉक करके रखता है, तो व्यक्ति माला माल हो जाता है, इसी को काले धन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जब व्यक्ति के पास सोना आया तो वो क्या हो गया, माला माल हो गया, उसने स्टॉक करके रख लिया अपने पास, और तो क्या होता है, जब सरकार छापा बोलती है तो क्या कहती है, आपके पास काला धन है, तो काल गुल्ली और माल गुल्ली, काल और माल दोनों, काल गुल्ली और माल गुल्डी किसके लिए फेमस है, सोने के लिए फेमस, किसके लिए, सोने के लिए फेमस। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। अभी अपन चलते हैं कहाँ से फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं, बीपा बॉक्साइट के लिए, एलिंग्स स्प्रिंग यूरेनियम के लिए, उसके बाद हंटर घाटी कोयले के लिए, ब्रोकन हिल चांदी के लिए, वही काल गोल्डी और माल गोल्डी किसके लिए, सोने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ये लगभग कहाँ पड़ती है, यहाँ पर पर्थ पड़ता है, पर्थ सिडनी, पर्थ के पास में ये स्थित है, ठीक है।
वहीं अगर देखें तो अगली खान है आपकी पीलवरा। पीलवरा किसके लिए फेमस है? लोहे के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट खाने हैं ये, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता ही है, इसीलिए आपको याद रखना है। तो पीलवरा किसके लिए फेमस है? लोहे के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ खाने स्थित हैं, जैसे अंदर ही थी लेकिन हमने इसको क्या किया, आपको समझाने के लिए क्या किया, इनको एरो के रूप में बता दिया। अब यहाँ पर एक और बस्ती है आपकी माउंट ईसा। माउंट ईसा किस लिए फेमस है? तो यहाँ से ऑयल गैस भी निकलता है, मतलब जो नेचुरल गैस होती है वो भी निकलती है, तो ऑयल गैस के लिए फेमस है। और सीसा और जस्ता भी यहाँ पर निकलता है। आपको पता है सीसा और जस्ता और बॉक्साइट, ये दो खानों के लिए, मतलब दो जो बोल सकते हैं दो एलिमेंट्स हैं, दो खनिज हैं, इनके लिए क्या है ये वर्ल्ड में पहले नंबर पर रखता है, यूरेनियम में दूसरे नंबर पर रखता है। यूरेनियम उत्पादन में अगर पहला नंबर पूछा जाए तो कजाकिस्तान का है, दूसरा नंबर यूरेनियम में अब इसका हो गया, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसमें आपने देखा बीपा किसके लिए फेमस था। तो बीपा आपका बॉक्साइट के लिए, स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग से आप रख सकते हो, एलिस स्प्रिंग यूरेनियम के लिए था। वहीं हंटर घाटी कोयले के लिए था। वहीं ब्रोकन हिल्स आपके लिए चांदी के लिए था। कालगोली मालगोली आपके लिए सोने के लिए था। वहीं पर आप बात करते हैं पीलवरा किसके लिए था, लोहे के लिए था। तो ये हो गया। इसके बाद माउंट ईसा किसके लिए था आपका, सीसा और जस्ते के लिए। हाँ, सीसा जस्ते के लिए, आपको पता है सीसा और जस्ते को जुड़वा खनिज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ लिख देते हैं सीसा जस्ता को क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज। पूछा जाता है क्वेश्चन कौन से खनिज है, एक के साथ एक फ्री, वही सिस्टम है। तो सीसा जस्ता इनको ट्विंस माइंस बोलते हैं, ट्विंस यानी कि जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज कहते हैं इसको, कहते हैं सीसा जस्ते को क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं। ये हो गया। अब आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील है। अभी अपन ने क्या 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 घूम लिया है, अपन ने ऑस्ट्रेलिया के, सबसे पहले अपन ने ऑस्ट्रेलिया की क्या देखी, अपन ने ऑस्ट्रेलिया के शहर देखे, प्रमुख जो शहर थे वो देखे, वहाँ पर घूम कर आए। उसके बाद अपन ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल थे वो देखे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जनरल जो फैक्ट थे वो देखे। अब अपन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो जो संसाधन, मतलब जो खनिज थे, खनिज संसाधन कौन कौन सी खानों से निकल रहे थे वो भी अपन ने निकाल लिए हैं। अब अपन को देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में पीने के लिए कौन कौन से संसाधन है ये बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी खाड़ी है, कौन कौन सी झीलें हैं ये भी तो देखना है, क्योंकि झीलों के नज़ारे भी काफ़ी अद्भुत होते हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें एवं जो खाड़ी होती है वो, यानी कि खाड़ी को बोलते हैं बे, गल्फ भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जोसफ बोनापार्ट की खाड़ी, आपको यहाँ बिल्कुल उत्तर में मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट मतलब गहरा हुआ बना हुआ है वहाँ पर लिखा है, तो जोसफ बोनापार्ट की खाड़ी। वहीं अगर बात करते हैं दूसरी खाड़ी कौन सी है, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये दोनों खाड़ियाँ जो है उत्तर में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सी खाड़ी स्थित है, जोसफ बोनापार्ट की खाड़ी और आपसे पूछा जाए कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है, इतना तो याद रख ही सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपने दो खाड़ियाँ घूम ली, अब इसके बाद आपको कहाँ चलना है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसीलिए आपको याद रखनी है। सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया से निकलती है, ये ऑस्ट्रेलिया को दो पार्टों में डिवाइड करती है। इस पर स्थित ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र झील कौन सी, ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र झील जिसका नाम है डिसापॉइंट झील, जो कि मकर रेखा पर स्थित एकमात्र झील है, एक इसकी है, ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र झील है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डिसापॉइंट झील यानी कि मकर रेखा पर स्थित ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र झील है, ये आप याद रख सकते हो। वही अगर बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की ही नहीं विश्व की एकमात्र झील है जो मकर रेखा पर स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भाई मूर झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये आपको याद रखना है। मूर झील हो गई, आयर झील हो गई, आयर झील के बारे में क्या स्पेशल है ये आपको याद रखना है। आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में खारे पानी की झील है, ठीक है, इसको डेड हार्ट बोला जाता है यानी कि मृत हृदय। अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय किसे कहते हैं, तो आयर झील को कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं डेड हार्ट, इंग्लिश में बोले तो डेड हार्ट किसे कहते हैं, तो आयर झील को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे निचला पॉइंट है यानी कि जो लोएस्ट पॉइंट होता है यही ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला पॉइंट है। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो ये है आपका आयर झील। वहीं ऑस्ट्रेलिया में फोब झील भी देखने को मिलेगी, टॉरस झील भी आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से इसके नीचे एक और खाड़ी देखने को मिलती है, स्पेंसर की खाड़ी। तो तीन खाड़ी है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको कौन कौन सी याद रखनी है, तीन खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी इसके साउथ में स्थित है, कारपेंट्रिया की खाड़ी यानी कि जोसफ
जोसेफ बोनापार्ट और कारपेंटर की खाड़ी, ये दोनों खाड़ी इसके उत्तर में स्थित है। आपको हम बता देते हैं कि आपको मैप यानी कि आपको एटलस लेनी है। इस तरीके से आपको एटलस में आपको दिखेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको मैप वाली बुक आपको रखनी है। एटलस हम आपका फ्रंट पे दिखा देते हैं, ये आपका एटलस है। ये आपको खरीदनी ही पड़ेगी, अगर नहीं है तो आपको लेनी है, अगर है तो आप इसका यूज कीजिए। आपको ऐसे ही नहीं किसी टीचर ने लगा के रख दी, तो आपको क्या करना है, इसको खोलना है। आज आप ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। आपको पेंसिल के साथ यहाँ टिक करते जाना है इनमें। ये मैं आपसे जिस दिन से आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ उसी दिन से बोल रही हूँ कि एटलस आपको ख़रीदना है। अब आप देखोगे कि आपको देखना है कारपेंट्रिया की खाड़ी, तो ये आपको दिख रही होगी कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहाँ पर कारपेंट्रिया देखा है, ये आपको दिख रहा होगा। भाई अगर बात करते हैं, आपको देखना है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, ये बिल्कुल यहाँ पर पड़ेगी जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। ये इधर दिख रहा होगा आपको, नीले पेन से लिखा है, ठीक है। इस तरीके से स्पेंसर की खाड़ी ये आपको इधर दिख रही है। तो ये आपको अपने हाथ से देखना है, अपने हाथ से टिक करना है। तो यही है आपकी लर्निंग, ठीक है। कुछ नया सीखने के लिए आपको कुछ होना पड़ेगा। इसके लिए क्या होना है आपको, सिर्फ आपको क्या, आपके पास थोड़ी सी अपने हाथ को क्या करनी है, हाथ में अपने हाथ पेंसिल लेनी है और उसे टिक करनी है। थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करना है आपको, जितना पढ़ाया है उसको एक बार फिर से रिवीजन करना है, वीडियो को फिर से देखना है, पुराने वीडियो, तीन वीडियो अभी इसके हो चुके हैं, तीनों वीडियो को एक साथ देखना है आपको, फिर से शुरू से देखना है पहले वाले वीडियो को, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, तब जाके आपको ये पूरा ऑस्ट्रेलिया समझ में आएगा। अभी कल इसको ख़त्म कर देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।